अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 और कॉलिनियर। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि जो गिवन थ्री पॉइंट्स है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 कॉलिनियर है। तो सबसे पहले हम ये समझना है कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। अगर थ्री पॉइंट्स कॉलिनियर है तो वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन पॉइंट अगर वह स्ट्रेट लाइन में किसी एक ही लाइन में है तो वो कॉलिनियर है। जैसे यहाँ पर हम एक लाइन है हमारी, एक पॉइंट है यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे हमारा है और पॉइंट सी यहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी सी पॉइंट है तीनों एक ही लाइन पे है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी सी और कॉलिनियर। तो हमें इसी पॉइंट्स को प्रूफ करना है कि कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों पॉइंट की जो भी हमारे तीनों पॉइंट गिवन रहते हैं उनके बीच के हम डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये गिवन है, इसे हम ए ले लिए, एक पॉइंट बी है हम ये ले लिए, इसे बी हम ले लिए 2, 3, एक पॉइंट -2, -11 इसे हम सी ले लिए -2, -11। ये थ्री पॉइंट्स है तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। जैसे कि तीन पॉइंट्स हमारे हैं तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर एक ए से सी तक, ये तीनों हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी। अब इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे कि हमारे तीनों जो गिवन पॉइंट्स हैं वह कॉलिनियर होंगे। तो फाइंड करने का तरीका यह कि जब हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, सिमिलरली हम ए सी फाइंड कर लेंगे, तो इसमें जो भी जो जो छोटी छोटी डिस्टेंस आएगी, जैसे यहाँ ए बी है और यहाँ पे बी सी हमारा है, तो ये थर्ड वाली जो डिस्टेंस रहेगी उसके सम उसकी इक्वल रहेगा इन दोनों का सम। यानी जो स्मॉलेस्ट टू डिस्टेंस रहेगी उनका सम जो है थर्ड वाले डिस्टेंस के अगर इक्वल है तो हमारे तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। जैसे यहाँ ए बी सी तो कॉलिनियर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, जैसे ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा AC आएगा। तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू यहाँ AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। यानी AB और BC को हम ऐड करेंगे तो AC। तो एक चीज़ का हमेशा हम ध्यान देंगे, जब भी तीन पॉइंट को हमें प्रूफ करना रहेगा थ्री पॉइंट्स को वो कॉलिनियर है, तो सबसे पहले हम उसे ABC ले लेंगे, फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB, बी सी और ए सी। ए बी हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पे हम इसे x1 y1 लिए, इसे x2 y2 लिए, तो अब यहाँ पे ए बी निकालना, तो इसी दोनों को हम लिए, तो x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है यहाँ प्लस y2 - y1 तो 3 y2 है, 5 y1 है, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा 1 स्क्वायर प्लस है प्लस, -2 हो जाएगा क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस है प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अभी अंडर रूट यानी ए बी की वैल्यू अंडर रूट 5 आ गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं बी सी, अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी के लिए फार्मूला हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसे हम x2 y2 और यहाँ पे x1 y1, यानी c वाले को हम x2 y2 लिए और b वाले को x1 y1 लिए। तो यहाँ फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह -2 है, फिर -2 हो जाएगा, -2 ये माइनस, फिर x1 की जगह 2 है तो 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 y2 की जगह -11 है, -11 -y1, y1 की जगह 3 है, -3 इसका होल स्क्वायर, -2 - 2 - 4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस प्लस -11 - 3 -14 हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर सारा अंडर रूट में रहेगा। अब हम जानते हैं -4 का स्क्वायर 16 एंड -14 का स्क्वायर 196 आएगा अंडर रूट में, दोनों को ऐड करेंगे 212 आएंगे अंडर रूट में। इतना भी हम छोड़ सकते हैं, अगर इसमें से जो बाहर आता है निकाल भी सकते हैं, जैसे 212 को हम लिख सकते हैं 4 × 53। अब हम देख रहे हैं यहाँ से 2 बाहर है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट, 2 बाहर आ गया अंडर रूट में, 53 बचा ही हमारा, तो ये बी सी की वैल्यू है। सिमिलरली अब हम ए सी फाइंड करेंगे, अब ए सी के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब हम क्या करेंगे, -2 - 1 इसे हम x2 y2 लिए, यहाँ पे x1 y1 लिए, तो यहाँ क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह -2 x1 की जगह 1 है क्योंकि अब ए सी हम निकाल लें, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, फिर क्या y2 - y1 ये हमारा y2 है और ये y1 है, तो -11 - 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -2 - 3
माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, स्क्वायर प्लस प्लस माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्सटीन का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे 265 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं, हम ए बी भी फाइंड कर लिए, बी सी भी फाइंड कर लिए और ए सी भी फाइंड कर लिए, तो इसमें जो दो छोटी साइड कौन कौन सी आई है, ए बी इज इक्वल टू रूट फाइव, एक छोटी साइड ये और दूसरी छोटी साइड यहाँ पे बी जो हमारी 253। सबसे बड़ी साइड हमारी ए सी इसमें आई है, क्यों, क्योंकि ए सी की वैल्यू अंडर रूट 265 है और बी सी की वैल्यू अंडर रूट 212 है और ए बी की वैल्यू रूट 5 है, तो जो सबसे बड़ी साइड हमारी जो आई है, जो वैल्यू आई है वह ए सी की आई है, तो जो ए सी होगा, अगर ए बी सी हमारा जो कोलिनियर होंगे तो जो ए सी होगा वह ए बी और बी सी के सम की इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो दो छोटी छोटी साइड है उनके सम की इक्वल ए सी होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए सी की वैल्यू 265 है अंडर रूट में और बी सी की वैल्यू 253 और ए बी की वैल्यू रूट 5 है, तो इन दोनों का सम कभी भी 265 अंडर रूट में नहीं आ सकता, मीन्स ए सी की इक्वल नहीं आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी यानी जो दो छोटी साइड है इनको सम करने पर बड़ी साइड की इक्वल नहीं आ रही है, जो हमारी बड़ी डिस्टेंस आ रही है उसकी इक्वल नहीं आ रही है, मीन्स ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, क्योंकि कॉलिनियर के लिए जो दोनों छोटी छोटी डिस्टेंस आई है उसका सम जो है जो बड़ी डिस्टेंस है उसकी इक्वल आना चाहिए, तभी तो कॉलिनियर रहेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो कॉलिनियर नहीं रहेंगे, सो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो वी कैन से डेट गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर।